योग दिवस के मौके पर आज शाम 5:30 बजे न्यूयॉर्क में यूएन हेडक्वार्टर में योग करेंगे पीएम मोदी। योग दिवस पर अमेरिका से पीएम मोदी का संदेश, कहा योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। सियाचिन से लेकर समुद्र में आईएनएस विक्रांत तक पर दिखा योगा का क्रेज। योग दिवस के मौके पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने कहा, मन, मानवता, प्रकृति और दुनिया भर में लाखों लोगों को एकजुट करता है योग। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी से एलन मस्क ने की मुलाकात, पीएम की तारीफ करते हुए मस्क ने कहा, मेरे अगले साल भारत आने की योजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर आईएनएस विक्रांत पर योग किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया, कहा योग सबको जोड़ने वाला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और एमपी के उप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जबलपुर में योग किया। योग दिवस पर पुंछ में तैनात सेना के जवानों ने योग किया, वहीं दूसरी ओर लद्दाख में भारतीय जवानों ने पेंगोंग में योग किया। योग दिवस के अवसर पर गुजरात के राजकोट में लोगों ने योग किया, तमिलनाडु के रामेश्वरम में लोगों ने पानी के अंदर योग किया। केजरीवाल ने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी, चिट्ठी में अध्यादेश को संसद में हराने पर सबसे पहले चर्चा की मांग उठाई। आदि पुरुष पर दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया। बीजेपी ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर सवाल उठाए, ट्वीट कर कहा, विदेशी एजेंसियों और भारत के विरोधी समूहों के साथ राहुल ने कई गुप्त बैठक की। मुंबई और पुणे में संजय राउत के करीबी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली दौरे पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया राष्ट्रपति और गृहमंत्री से करेंगे मुलाकात। दिल्ली सरकार ने सीएनजी पर चलने वाली टैक्सियों की परमिट वैलिडिटी 15 साल तक बढ़ाई। ब्रजभूषण सिंह मामले में कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले फिर हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों में आग लगाई। दिल्ली में बुजुर्ग की हत्या का दिल दिला देने वाला सीसीटीवी, बदमाशों ने सरेरा चाकू मारकर बुजुर्ग की हत्या की। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद दिल्ली जयपुर हाईवे पर भारी जलभराव, भारी बारिश के बाद डूबी शहर की सड़कें।